हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो और हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। आज संडे है तो आज जो है मैंने अपना हेयर वॉश किया है, बहुत लेट है, बाल धोए हैं। और आज जो मैंने बाल धोए हैं ना, वो अलग शैम्पू से धोए हैं, तो मैं उसका शैम्पू आपको दिखाऊंगी। मैंने शैम्पू इस बार जो यूज़ किया है वो है वाओ का, तो आपको दिखा देती हूँ। फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सोचा कि चलो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही शैम्पू हर बार लगाती हूँ, मैं हर महीने अलग अलग शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे। और कोई भी शैम्पू जो होते हैं ख़राब नहीं होते हैं, तो थोड़ी बहुत जो शाम की भूख होती है ना वो लग गई थी, क्योंकि आज लंच जल्दी कर लिया था इसलिए। तो नूडल्स रखे थे, छोटा पैकेट है तो वही बनाएंगे, उबालने के लिए इसको रख दिया तो मेरे हस्बैंड बनाएंगे। और दोपहर में थोड़े कपड़े जो थे मैंने तय करके रखे थे, तो उसको भी मैं रख रही हूँ कबर्ड में, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत थे। बाकी जो सारे कपड़े थे वो रख दिए थे मैंने, बस यही रह गए थे। और टावल काफ़ी देर की मैंने अपने बालों में बांधी हुई थी, क्योंकि मैं हमेशा ही ऐसे ही करती हूँ कि पहले बाल को वॉश करती हूँ तो आधा एक घंटा अपने बालों में टावल लगा के रखती हूँ। और देखिए मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे नूडल्स निकाल दिए, बहुत परफेक्टली ये बॉयल हो चुके हैं। और मेरे हस्बैंड सुबह के टाइम ये थोड़ी सब्जियाँ लेकर आए थे तो सिंक में थी, और यहाँ पर उन्होंने नूडल्स बनाने की तैयारी कर ली है, तो ये सारा सामान उन्होंने काट के रख दिया है। और मेरे लिविंग रूम की हालत ये है, इन्होंने अपनी ट्रेन बनाई है, मैडम ने कह रही कि मम्मी मुझे ट्रेन बनानी है, और देखिए वहाँ अपना बैग टांगा हुआ है, एक तरफ इसने मंगी टांगा हुआ है। तो हाय, गुड इवनिंग, कैसे हो और हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। मेरा जो व्लॉग है वो शाम के 4 बजे से शुरू हुआ था और अभी टाइम हो रहा है 4:20। तो जो नूडल्स है वो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह से इतनी ज्यादा बिजी चल रही हूँ। मैं सुबह सुबह नहा तो ली थी बट मैंने हेयर वॉश नहीं किया था, तो फिर मैं अभी थोड़ी देर पहले 3:30 बजे कर मैंने हेयर वॉश किया। और जो मैंने आपको शैम्पू दिखाया ना, मैं हमेशा ही ना अलग अलग शैम्पू यूज करती हूँ, अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे शैम्पू खराब होते हैं, मेरे लिए कोई भी शैम्पू खराब नहीं है, सारे शैम्पू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं हमेशा ही हर महीने में शैम्पू चेंज करती हूँ। तो इस बार मैंने वाओ का शैम्पू मंगवाया है। और मुझे जब भी इशू होता है ना, तो मुझे पानी का इशू होता है, पानी बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना, तो उसकी वजह से ना जो बाल है कभी झड़ने लगते हैं, टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो मुझे बालों मुझे पानी का इशू लगता है, मुझे तो शैम्पू का इशू बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसलिए मैं हर महीने ना शैम्पू अलग अलग चेंज करती रहती हूँ, देखती हूँ कि कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा है। तो अभी ये मंगवाया है, जैसे कि मेरे जो बाल थोड़े बड़े हैं, और जो इससे पहले जो मैं शैम्पू यूज करती थी वाटिका का, वो काफी ज्यादा मैं लेती थी। और ये वाला जो मैंने वाओ का शैम्पू मंगवाया ना, वो मैंने सिर्फ इतना सा लिया, इतना सा आप देख सकते हो, तो इतना सा शैम्पू लिया और पूरे बालों में मेरे अच्छे से लग गया, तो मुझे अच्छा लगा है। तो बस यही है, आज मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया है, तो अभी बाल जब अच्छे से सूख जाएंगे ना तो आप खुद देख लेना। और अभी भी हल्के ऐसे करो ना, सिल्की सिल्की से हो जाते हैं, ये देखिए है ना। तो चलिए, मेरे हस्बैंड बना रहे हैं नूडल्स, क्योंकि कह रहे थे कि तुम सुबह से इतना ज्यादा काम कर रही हो, बिजी हो, तो मैं बना देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर आराम कर देती हूँ, अभी वो क्या कहते हैं फ्रूट्स वगैरह है तो उनको वॉश करूंगी, तो वो जब खाऊंगी ना तब वॉश करूंगी आराम से। तो आज सुबह से मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, लग ही नहीं रहा संडे, ऐसा लग रहा है नॉर्मल डे है। और कल से ना आरना का स्कूल भी स्टार्ट हो रहा है, आरना कल से स्कूल जाएगी, तो रूटीन चेंज हो जाएगा कल से मेरा। हाँ बेटा, कहा क्या हुआ? चलिए थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ, गर्मी हो रही है। हाँ बेटा, अच्छा पापा, और तुम जो लिविंग रूम की हालत क्या कर कर आई, पता है मैं सुबह से तीसरी बार मैं ये जो लिविंग रूम है मैं साफ करूंगी सुबह से तीसरी बार, सोच सकते हो आप। चलिए मैं खा कर आती हूँ, हल्की हल्की सी भूख तेज होती जा रही है।
आवाज थी। और हम अभी जा रहे हैं अपनी गाड़ी को घुमाने के लिए बाहर, क्योंकि एक हफ्ते से चली नहीं है, कहीं इसकी बैटरी दोबारा से बंद हो जाए। और जाकर वो भी लेकर आएंगे, सब्जी भी लेकर आने हैं क्योंकि अदरक भी नहीं है, और दो चार सब्जियां भी ले आएंगे अगर जाना जा रहे हैं बाहर तो। हाँ बेटा पीछे चलो चलते हैं। हवा तो टायर में भी ना खड़े खड़े भी हवा निकल जाती है, बताओ। हाँ दोनों में ठीक है, इसमें भी ठीक है, इसमें थोड़ी सी कम लग रही है, आगे वाले में थोड़ी सी हवा कम है, तो देखते हैं। चले चलो। और नहीं यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खड़ी हो गई है, तो बड़े आराम आराम से चलाना पड़ता है इधर, एकदम जगह ही नहीं मिलती निकालने के लिए गाड़ियाँ। काफी स्पेस क्यों हो गया, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हम जा सकते हैं जैसे हम पहले जाते थे। स्पेस तो है वहाँ पे बना लेना, वहाँ पे हमारी जगह पे कोई है खराब हो यही है, वहाँ पे सही जगह है, चुपचाप साइड में खड़ी रहती है। हाँ ये भी है, साइड है, बाहर आ गए। कल वाला मौसम नहीं हो रहा, जैसे कल मौसम था, फिर रोज रोज ना शाम को दो दिन से शाम को ही मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है, बट आज नहीं हुआ। और अभी टाइम हो रहा था, हम निकले 5:15 बजे ना, 4:30 बजे, नहीं 4:30 बजे कह रही हूँ, 5:30 हो रही होंगी या 5:15 हो रही होंगी, ये टाइम हो रहा है। पापा कोई नहीं है, कोई नहीं होते बेटा पार्क में। गर्मी हो रही है, हवा चल रही है, बट कल जैसे बारिश हुई है ना काफी ज्यादा, और सुबह की तेज धूप तो से उमस बहुत हो गई है बेटा। हाँ ये आपको, और मैं बना रही हूँ खाने में मटर, आलू मटर की सब्जी, तो आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, जल्दी जल्दी बना रही हूँ, अभी और भी काम है मुझे। और ये जो मैंने आपको मेरे धोए थे ना अरबी के पत्ते, तो कल सुबह मैं इनकी सब्जी बनाऊंगी, तो सोच रही हूँ कि आज ही इस पे बेसन लगाकर उसको स्टीम कर देती हूँ, तो कल के लिए इजी रहेगा। तो अभी ये भी करूँगी जाकर, कल सब्जी बनानी है। और कल आरना को स्कूल भी, तो भी उसका बैग भी अच्छे से अरेंज करके रखना है, उसके कपड़े निकालना है, तो इसलिए जो काम है मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही हूँ। सब्जी लेकर आए हैं, तो सब्जी भी धोई नहीं है, सब्जी में मैं लेकर आई हूँ टमाटर है और परवल है और क्या है उसमें धनिया अदरक और नींबू, बस यही है। ये मैं फटाफट से बनाती हूँ, चाय नहीं पी रही हूँ। और मैंगो शेक बनाया था मैंने, तो मैंगो शेक पी लिया है हमने, ठीक है। तो सुबह मुझे अरबी के पत्ते की सब्जी बनानी है, तो उसी के लिए जो घोल है वो मैंने तैयार किया है, और इसमें सारे बेसिक मसाले धनिया हल्दी लाल मिर्च और अजवाइन डाल के उसका अच्छे से मैंने एक घोल बना लिया है। जो अरबी के पत्ते हैं वो मैंने उसको वॉश कर रहे थे बहुत अच्छे से, तो सारा पानी इसका सूख चुका है, और पीछे की जो डंडियाँ होती है इस तरीके से उसको चाकू की हेल्प से काट लेना है। और जो घोल है ना मैंने हल्का सा ना गाढ़ा रखा है, ताकि जो जब ये पत्ते स्टीम होंगे ना, तो बेसन का घोल जो होगा ना उसमें बहुत अच्छे से निकल कर आएगा, मतलब मोटा मोटा सा रहेगा। तो इस तरीके से मैं हमेशा बनाती हूँ, और अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने उस पर घोल लगा के उसका रोल बना लिया था। और जो पानी है वो गर्म हो चुका है, और मेरे पास जो चलनी होती है ना स्टील की वो है, तो उस पर मैं हल्का सा ऑयल लगा के तो अरबी के पत्ते को मैं इस तरीके से रख दूँगी, तो ये स्टीम होते रहेंगे। और एक तरफ जो है मेरी आलू की सब्जी बन रही है, तो मैंने सोचा कि मैं टाइम ख़राब नहीं करूँगी अपना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही आज का दिन जो है मेरा बहुत बिजी है। और यहाँ पर जो है ना मैं आरना का बैग जो है तैयार, मतलब देख रही हूँ कि इसमें सारी बुक्स है या नहीं, क्योंकि आरना की ऑनलाइन क्लास भी चली थी,
कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं कभी बुक्स यहाँ उठा के रख देती हूँ आना की, कभी बैग में रहती है, कभी आना निकाल लेती है, तो वही मैं चेक कर रही हूँ कि आना की सारी बुक्स है ना बैग के अंदर, क्योंकि सुबह फिर इतने ज़्यादा टाइम नहीं होगा क्योंकि मुझे आना को 8:30 बजे स्कूल छोड़ना है। और उसके बाद करने के बाद मैंने आटा वगैरह सब गूंद के रख दिया था, तो एक तरफ जो है मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं और दूसरी तरफ मैं रोटियां बना रही हूँ। तो बस अभी खा पी कर फटाफट से तो मैं बर्तन को भी वॉश कर दूंगी। और आज का दिन सच में मेरा लग ही नहीं रहा था कि आज संडे है, आज मेरा संडे वाला दिन इतना बिजी गया ना, मैं क्या बताऊँ, ये एकदम से मेरा बिजी रूटीन था आज का। और यहाँ बर्तन सारे मतलब खाना वगैरह खा लिया था, किचन सब क्लीन हो चुकी थी, तो बर्तन ही मैं क्लीन कर रही हूँ। अभी हम ना सोने की तैयारी कर रहे हैं, आना को सुलाने की तैयारी कर रहे हैं वैसे तो। और बस कितना सारा काम हो चुका है, सब्जी जो है ये देखिए जो मैंने अभी जो हम लेकर आए थे ना वो ये सब्जी है तो यहाँ रख दी है। और ये अरबी के क्या कहते हैं अरबी के पत्तों की सब्जी है जो सुबह बनाऊंगी, तो अभी से मैंने इसकी तैयारी कर दी है, तो सुबह छोड़ दूंगी। ये थोड़े से चावल बच गए थे क्योंकि आलू मटर की सब्जी बनाई थी, थोड़े चावल बना लिए थे तो इनको फ्रिज में रखने जा रही हूँ। और क्या काम रह गया है, हाँ आरना के लिए कपड़े निकालने हैं कि कौन से पहनाने हैं और उस पर प्रेस करनी है, तो बस ये काम है। उसके बाद जाएंगे एडिट करूंगी वीडियो। टाइम क्या हो रहा है, 10:15 क्या 10:30 का टाइम हो चुका है। और चलिए मिलेंगे कल सोमवार को, और बाय बाय गुड नाइट। बहुत थक गई हूँ, पूरा दिन मेरा ऐसा गया जल्दी 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 वाला, ठीक है तो ये भी रख देती हूँ फ्रिज में। मिलेंगे कल सोमवार को, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।